हमेशा ऐसे होता है, इसके साथ ऐसा ही है। आफत आ गई, किस्मत ही खराब है तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। मैं अकेले इसलिए आई क्योंकि मेरा दिल दिमाग मन कुछ और सोचता है, मुझे अपनी ज्यादा परवाह नहीं है। मेरे डर के मारे बुरे हालत हो गए थे, मतलब मुंह बिल्कुल लाल हो गया था कि आज भी काम नहीं होगा क्या होगा, क्योंकि मेरी किस्मत हमेशा ही खराब रहती है। राजे राजे कैचो वो कैचो ठीक हो बेटा, मैं पप्पा से ना होनी थी। देखो नानी जी हमारे लिए कितनी सारी चीजें लाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में और साक्षी नेगी ब्लॉग्स में। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत, जैसे कि मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ कॉलेज जाने के लिए। तो आज मैं जा रही हूँ कॉलेज, वो भी पैदल और वो भी अकेले। तो भाई चलते हैं, देखते हैं क्या होता है अकेले जाके। और अभी ये हुआ कि जब तो मैं पैदल रही हूँ, फिर साथ में एक थैला भी आ गया मेरे हाथ में, क्योंकि ये देना है मैंने भाभी को, और यहीं से सब्जी दी है किसी ने इस पर, तो इसको भी लेके जाना पड़ेगा आप पैदल। भी आ रखे हैं इधर घास के लिए भी, साथ में बैल चराने के लिए भी। और आज पैदल और अकेले जाने की स्थिति ऐसे में आई कि हमारे यहाँ से ना गाड़ी 10 ऐसे बजे तक जाती है और 10 बजे मेरी क्लास है, तो मैंने बोला जब तक मैं गाड़ी का वेट करती हूँ मेरी क्लास भी छूट जाएगी, उस आराम से पैदल ही चलती हूँ। पता है तिलवाड़ा कहाँ है? बिल्कुल यहाँ पे, मतलब इधर तक करेक्ट मुझे पैदल जाना है। वो भी पता है कहाँ से? यहाँ से आगे के लिए, फिर उस वाली पहाड़ी से बिल्कुल नीचे, फिर उधर के लिए। सब तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर धूप हो गई खतरनाक वाली, ये सबसे बड़ी समस्या है। कैसे जाऊं मैं इतनी कड़ी धूप में? अभी ना आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने घने जंगल में अकेले जा रही हूँ तो मेरे को डर नहीं लग रहा होगा। तो मैं सच बताऊं, मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कभी भी अकेले जाने में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जिस दिन किसी की मौत आई होगी उस दिन वो अगर घर के अंदर भी छुपा होगा ना तो उसकी मौत आएगी आएगी। अब मैं तो बस पैदल ही जा रही हूँ, कुछ नहीं होता उसमें डर वर। मेरे दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, जब तक कि ना 3-4 लड़कियाँ साथ नहीं आई ना वो पैदल ही नहीं जाती। यहाँ पे एक आंवले का पेड़, जिस पर कि ढेर सारे आंवले लगे हुए हैं। अभी ना कुछ आंवले मैंने तोड़ लिए हैं, क्योंकि मुझे आंवलों की वैल्यू भी पता है और कीमत भी पता है, इसलिए मैंने बोला कुछ आराम से खाते खाते जाएंगे और कुछ बैग में भी रख लूँगी, और आराम से ना ना आंवले खा के ना मुझे प्यास लगेगी और ना ही थकान होगी ज़्यादा। और यहाँ के रास्ते ऐसे हैं कि क्या ही बताऊँ, झुक झुक के जाना पड़ रहा है इन झाड़ियों में। तिलवाड़ा मार्केट भी इसी रास्ते से पड़ता है, जिस रास्ते हम आम लेने के लिए आते हैं इसी रास्ते आना पड़ता है भाई। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो रही है? घास पे अभी ना पानी की बूंदें ऐसी अटकी हुई है, मेरे कपड़े पूरे गीले कर रही है। थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं फिर चलते हैं। कि मैं ये बोलना चाहती थी कि जैसे कि मैं आज अकेले आ गई, तो आप लोग कभी अकेले मत आना। मैं अकेले इसलिए आई क्योंकि मेरा दिल दिमाग मन कुछ और सोचता है, मुझे अपनी ज़्यादा परवाह नहीं है, इसलिए मैं आ गई। और आप लोग अकेले मत आना, और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप अकेले मत आना, किसी के साथ आना। हाँ, थकान लग गई। मैंने आज सोच रखा है कि मैं 8 बजे मैं घर से निकली थी और 8:30 बजे तक मैं तिलवाड़ा में पहुँचूँगी। अभी 8:19 हो रहे हैं, अब तो 20 हो गए होंगे, 10 मिनट में देखते हैं पहुँचती हूँ कि नहीं, पर मैं पहुँच के रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। रास्ते में ना प्यारे प्यारे से फूल पड़े हुए हैं जो कि बहुत आए, मुझे देख के शर्मा गया बेचारा। यहाँ से मैं आई हूँ ना उस साइड तो धूप हो रही थी, इसलिए पसीना भी आया और अभी शक्ल भी काली हो गई होगी। और इधर की साइड ना पेड़ है थोड़ा, तो अच्छी सी छाया भी मिल रही है और जाने के लिए भी अच्छा हो रहा है। मैं इस जंगल में अकेले नहीं हूँ, यहाँ ना बहुत लोग घास के लिए आ रखे हैं। अभी मुझे 2 राजीव जी भी मिली, वो भी घास के लिए जा रखी थी यहीं ऊपर की साइड, और हमारे तरफ की साइड भी हमारे गाँव के सारे लोग घास के लिए आ चुके हैं, इसलिए कोई डरने की ज़्यादा बात नहीं है। मेरे हिसाब से आजकल ना लोगों को जंगली जानवरों का उतना डर नहीं होगा जितना इंसानों का होगा। जंगली जानवर मिल गए तो चले जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मार देंगे, पर इंसान मिल गया तो तब डर लगता ही है। भाई देख रहे हो लोग कितनी सुबह सुबह घास लेके आ गए, अब इस रास्ते भी डर नहीं है तो तब मुश्किल के काम आ गए। लोग घास लेके आ रहे हैं और मैं यहाँ तुम लोगों को हिम्मत दे रही हूँ कि डर ना मत, कभी भी अकेले जाओगे तो। लोग पता नहीं कुछ कितनी सुबह चले गए, इतना बड़ा घास का भारा भी निकाल लिया, वो भी जंगल से। तो
गाइज हम कॉलेज में भी आ गए थे। अभी मैंने एक क्लास ले ली है और मैंने बोला था जैसे कि मैं 8:30 बजे पिलवाड़ा तक पहुंच गई रहूंगी, तो मैं पहुंच भी गई थी और मेरे को ना लिफ्ट में मिल गई थी। अभी मेरा ज़रूरी काम ये है कि बैंक के काम से आई हूँ। पिछली बार भी मैं आई थी पर वो काम हुआ नहीं, तो अभी दोबारा आना पड़ा। यही पड़ेगा अब तो, ओए हेलो, यही पड़ेगा, डालूंगी मैं ब्लॉग में, देख लेना। ये खिटखिट हंसते हुए हमारी क्लास में ऐसे चल रहा है, इधर पे कुछ लूडो खेल रहे हैं, इधर पे कुछ लुक्की लुक्की खेल रहे हैं, उधर पे कोई फोन पे बातें कर रहे हैं। अभी हमने अपनी दोनों क्लास ले ली है। लास्ट ईयर में हमारी बस 2 क्लास होती हैं और इस धूप में और इतनी ज़्यादा धूप में हम जा रहे हैं अभी बैंक में। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे ना शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मैं पहले भी बैंक में आई थी, मेरा काम नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी किस्मत रहती है हमेशा ख़राब। आज भी नहीं होगा ना तो फिर मैं आऊँगी, नहीं यूट्यूब से रिलेटेड कुछ काम है, नहीं होगा ना तो हो गया तब रहने दो। अभी ना मेरा बैंक का काम भी कंप्लीट हो चुका है। मुझे ना पासबुक बनानी थी और ATM खुलवाना था, तो दोनों काम हो चुका है। और मुझे ना कॉलेज में एक दो दोस्तों ने बोला था कि आज बैंक बंद है क्योंकि उधर का जो एक बैंक है ना वो भी बंद है। मेरे डर के मारे बुरे हालत हो गए थे, मतलब मुँह बिल्कुल लाल हो गया था कि आज भी काम नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि मेरी किस्मत हमेशा ही ख़राब रहती है। पर अभी फाइनली काम हो चुका है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बस 10 मिनट में पूरा काम हो गया था। साथ में मैं भाई के साथ घर जाऊँगी, तो भाई का कुछ काम है पहले कॉलेज में, तो भाई कॉलेज होके आएगा। वरना ना तो हमेशा मेरी किस्मत ही ख़राब रहती थी, कुछ काम नहीं होता था, पर आज हो ही गया काम। अभी दिन के ना 2:25 हो रहे हैं, हम भी अपने गांव की सड़क में पहुंच चुके हैं और अब भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई, तो फटाफट से घर जाएंगे और खाना खाएंगे। अब ना भूख के मारे भी हालत ख़राब हो चुकी है, बाकी भैया को भी मेरी वजह से एक दिन और रुकना पड़ा हुआ। हाँ भाई, क्योंकि पहली बार में मेरा काम कभी नहीं होता है ना, हमेशा ऐसे होता है। इसके साथ ऐसा ही है, आफत आ गई, किस्मत ही खराब है, तो अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। पर आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा काम दूसरी बार में जाने से हो गया, वरना तो होता ही नहीं था भाई। आज ना हमने अपनी श्वानी मछानी नहीं आ रही, तो लाल लाल है, तो इसको आज हमने बाहर निकाल रखा है। हेलो, क्या अच्छा लग रहा है तेरे को बाहर, बताओ कुछ नहीं कर रही भाई उसके पास, तो ऐसे वहाँ वहाँ क्यों कर रहे हैं रे। वाँ। 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 विदाई से पहले टीकाकरण जरूर होता है, सगुन का टीका लगता है। लॉक तो सेम रहेगा पर दिन दूसरा है, तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। और जैसे कि आपने अभी सुबह सुबह देखा होगा कि भैया और अभी टीका भी लग चुका है, कल भैया और हमारे यहाँ आ गए थे। अभी ना भैया लोग भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, सभी को प्रणाम। और ना साक्षी बुढ़ी ने बहुत अच्छे से खातिरदारी करी है, बहुत अच्छा लगा है, जैसे वीडियो में देखते हैं ना सेम वैसी सामने पे भी है, और बहुत काम करती है भाई, वीडियो से ज्यादा ही काम करती है, मतलब जितना वीडियो में दिखाती है ना उससे कई गुना ज्यादा काम करती है, क्योंकि अब बार बार कैमरा तो लगा नहीं सकती। अब क्या करिए, अब क्या करिए, कैसा लगा आपको? अब जो है तो वो है, कैसे लगा आपको हमारे यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गांव है, और मैं जैसे कह रहा हूँ गाँव भी सुंदर है और यहाँ के लोग भी उतने सुंदर है, स्पेशली अमित नेगी। सुंदर बोले तो खुद की, आप क्या ही बोलना, सुंदर खुद की तारीफ भी करनी चाहिए, अंदर से पता नहीं, घमंड होना चाहिए थोड़ा बहुत। घमंड होने का भी कोई वो होना चाहिए ना, रीजन किस चीज का घमंड? मैं बहुत काम करता हूँ, मैं साक्षी से डबल काम करता हूँ, इससे बड़ा घमंड क्या है मेरे लिए? ब्लॉग में आज हमने जा रहा जंगोरा डाल रखा है, आज ये कॉलेज जा रहा है, वो तो चला बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, ब्लॉग अब मैंने नाश्ता भी रेडी कर दिया है, तो नाश्ता खा देता हूँ। भैया जी भी ब्लॉग बनाते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे, आप तो जानते ही होंगे, यमकेश्वर ब्लॉग्स है चैनल का नाम, तो एक बार जाके जरूर देख लेना। बाकी
भैया की मम्मी आंटी जी मेरे ब्लॉग देखती हूँ, तो आंटी जी को भी धन्यवाद। और आंटी जी ना बहुत ज्यादा क्यूट और सुंदर भी है। मम्मी देखती है साक्षी के सारे ब्लॉग्स, तो मम्मी भी देख रही होगी ना और खुश हो रही होगी। तो ऐसे ही देखते रहना आंटी जी। बाकी भैया ना आज उखीमठ जाएंगे, फिर वहीं से जाएंगे घर। ठीक है, फिर दोबारा जल्दी आना हमारे। ध्यान रखना, चलो ठीक है, ऐसी वीडियो बनाओ अच्छी अच्छी। अभी देखो यहाँ कौन आ चुके हैं। हेलो काना, प्रणाम। ठीक है, ठीक है। और काना ना सीधे स्कूल से आए हमारे यहाँ। हेलो, थकान लग गई क्या? थकान लग गई। राजे राजे केचो, बिहू कुल जा रहा हूँ। आज मैं बुआ के घर आया। वो केचो ठीक हो बेटा? मैं पापा से ना ओनी थकी तेरी हूँ, क्योंकि मम्मी भी लगी हुई थी अभी तक काम पे। तो अभी देखो नानी जी हमारे लिए कितनी सारी चीजें लाई। इतने सारे तो ये लौकी हैं, जिसकी मैं खीर बनाने वाली हूँ, और एक बड़ी सी काकड़ी जो कि अब पीली होने भी लग चुकी हैं। और साथ में ना किसी ने अमरूद दिए थे, तो इतने सारे अमरूद अपने मायके से लाई नानी जी अपने अमरूद ना। हमारी अच्छा की भुजी लगी थी, काकड़ी भुजी और सब चीज पर जी। इतनी धूप में आए तो नानी जी भी भूख लग गई होगी, काली पड़ गई। काना अच्छा कि साथ में ना नानी जी हमारे लिए इतने सारे बुखड़े भी लाए हैं। बुखड़े ना जो धान होती है, नई नई धान, तो उसको ना उसको भून के उसके बाद ओखली में कूटा जाता है। इसमें तिल चीनी और बहुत कुछ मिलाया जाता है। पहले के लोग तो बहुत बनाते थे, पर अब लोग उतने नहीं बनाते हैं। यहाँ देखो, और बहुत ज्यादा टेस्टी भी होते हैं। और ओखली में कूटना पड़ता है भाई इनको। तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।